हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, यार 7th जुलाई 2020 को अर्ली मॉर्निंग, यू कैन से अराउंड 12 AM, दैट इज 00 AM, लाइक अप्रॉक्स 00:30 मिनट्स, लाइक अर्ली मॉर्निंग, मेरे फादर को मतलब लैंड वैंड सारा जो भी प्रोसेस होता है, वो बैग वैग रिसीव करना वो कर चुके थे, कतर से आए थे। सो वहाँ पे जो इंस्पेक्शन टीम थी, उन्होंने राधा स्वामी मोहन गंज लखनऊ में रेफर किया था आपको, वहाँ पे 7 डेज के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। सो बेसिकली 7th जुलाई टू 14th जुलाई 2020 तक मेरे पेरेंट्स वहाँ पर रहे थे। आज ही, दैट इज़ 14th जुलाई को मेरे पेरेंट्स को रिलीज़ कर दिया गया है। दे आर नाउ एट होम, मेरे साथ ही रहते हैं। तो वो बेसिकली कहने का मतलब है कि आज उनको छुट्टी मिल चुकी है। सो ये पेपर्स है, ये देखो, ये है क्वारंटीन करते समय वो चेक वेक करते हैं, एक प्रूफ देते हैं, एक लाइक सम सॉर्ट्स ऑफ लाइक एक जब तुम मान लो किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तुम्हें डायग्नोसिस के लिए लिखता है कि ये टेस्ट करा लो, या मेडिसिन लिखता है, स्लिप। सो दैट स्लिप इज समथिंग व्हाट रेफर्स करता है कि यार इस डॉक्टर ने देखा है। उसी तरह इसमें भी जैसे प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, तुम देखो प्रमाण पत्र लिखा हुआ है ना। सो थोड़ा सा मैं इसे रीड आउट करता हूँ, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। राइट, प्रमाण पत्र, नाम, मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ मेरे फादर के फादर का भी नाम लिखा हुआ है, निवासी कहाँ के रहने वाले, यहाँ का लोकल एड्रेस है, मोबाइल नंबर दिया गया है, ने राधा स्वामी व्यास मोहन लालगंज जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश में 7/7/2020 से 14/7/2020 7 दिन का क्वारंटाइन अवधि पूर्ण की है। वर्तमान में इनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे ज्योति कामले चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन लालगंज लखनऊ का सिग्नेचर है, और अजीत सिंह आश्रय स्थल सेंटर प्रभारी खंड विकास अधिकारी मोहन लालगंज लखनऊ का भी सिग्नेचर है। और यहाँ पे टेम्परेचर को मेंशन किया गया हुआ है, ये देख सकते हो ब्लू कलर में है ना, टेम्परेचर लिखा हुआ है। और बेसिकली ये अप्रूव करता है कि जो मेरे पेरेंट्स को कोई कोरोना वायरस नहीं है, आफ्टर मतलब प्रॉपरली वो चेक वे जो भी प्रोसेस होता है, उन्होंने सारा टाइम लिया था, प्रोसेस किया, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट इज़ प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट कॉल वेरिफिकेशन लेटर यू कैन से इन इंग्लिश। तो एक तुम्हें एक डिटेल मिल जाता है, इट मेक्स सेंस, एंड इट दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर एज फार एज एनी ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट गिव्स यू द क्लियरिटी, दे गिव वेरीफाई इट दैट
नाउ यू आर, मतलब तुमने क्वारंटीन जो टाइम था उसको कंप्लीट किया था, उस समय तुम्हें कोई COVID-19 के लक्षण सिम्टम्स यू हैव नॉट सोन एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ फ्रॉम क्वारंटीन सेंटर, राइट? सो यार ये एक लास्ट टाइम मैं दिखाना चाहता हूँ प्रमाण पत्र, ये मेरे पेरेंट्स का है, इस तरह से वो रिसिप्ट होती है ना, इस तरह की रिसिप्ट होती है ये, तो दिस इज़, मैं ये दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यार घबराने वाली बात नहीं है यार। देखो जहाँ पे मास होती है ना वहाँ पे क्लास नहीं होती है, तो यहाँ पे उतने लोग उस समय 7 days तक नहीं थे। इवन मेरी मम्मी जिस रूम में थी वो पूरा कैबिन ही खाली था, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही वहाँ रह रहे थे, तो भीड़ कम थी, तो जो फूड मिल रहे थे वो भी अच्छे खासे मिल रहे थे, मतलब इट वॉज अ गुड फूड, आई मीन द क्वालिटी वॉज गुड। सो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे चीज़ें बहुत ऑब्वियस है यार, उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाएगी, राइट? सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अगर किसी को भी क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है या रहना पड़ रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी इट वाज नॉट इजी कि यार 7 days कैसे बीतेगा, टीवी नहीं है, इंटरनेट इज़ अवेलेबल लेकिन चार्जिंग पॉइंट अलग था, मतलब थोड़ा तो लोचा होता ही है ना। सो उतनी भी घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट हैव सम पेशेंस, ये भी पल कट ही जाते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी अच्छा टाइम वहाँ पे, एक चीज़ मुझे सही लगा कि वो बाउंड नहीं कर रहे थे घूमना, आई मीन इट्स नॉट लाइक कि यार मतलब दूसरों से फिजिकल इंटीमेसी, लाइक कि दो लोग क्लोज बैठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद में भी ये तो कॉमन सेंस होता है, ये लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, वो स्पेस जितना खुला स्पेस था, अच्छा खासा स्पेस था, मैं खुद भी गया था, मैं वो वीडियो को तुम देख सकते हो, है ना? तो वहाँ पे मतलब फ्रीडम तो थी, मतलब अगर आप चाहते हो घूमना नियर बाई मीन्स उसी, मतलब जो भी प्रीमाइसेस थे उसमें रूम करने के लिए दे रहे थे, और उतनी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इट कुड बी लाइक कि यहाँ पे भीड़ कम थी तो थोड़ा सा फ्रीडम दे रहे थे, ऐसे स्पेस वाज गुड इनफ, आई मीन आई सेल्फ विंडर, सो स्पेस ठीक ठाक था, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो इज गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम, योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो।